नमस्कार सभी को। आज का पाठ माता का आंचल और इसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। इस पाठ में माँ के साथ लेखक का अद्भुत लगाव जो है उसको दर्शाया गया है, साथ ही गाँव में जो संस्कृति होती है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पिता अपने साथ ही कथाकार को सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। उनका बचपन का नाम तारकेश्वर था और पिताजी पूजा के समय उन्हें अपने पास बिठा करके शंकर जी के जैसा तिलक लगाया करते थे, जो जिससे लेखक को बहुत खुशी होती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठा के गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते और राम नाम लिखी हुई पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर बैठा करके झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके में बिठा के अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। चौका किसे कहते हैं? जहाँ पर किचन होती है, पहले गांव में बैठ करके खाना खाया जाता था तो वहाँ पर उस स्थान को चौका कहा जाता था। मना करने पर भी उनकी माँ बड़े प्यार से उन्हें तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी टुकड़े बना करके खिलाया करती थी। खाना खाकर बाहर जाते जब थे वो, तो उन्हें माँ पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी उनके बालों में तेल लगा देती और कंघी कर देती। फिर उन्हें कुर्ता टोपी पहना करके चोटी गूंथ करके फूलदार लट्टू लगा देती। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में से बाहर आ जाते और बाहर आते ही वे बालकों के साथ मौज मस्ती में डूब जाया करते थे और उन्हें पिछला रोना सब भूल जाता था। चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते, मिठाइयों की दुकान लगाया करते। घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से सब बच्चे मिलकर के चिल्लाने लग जाते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बूढ़ा बेईमान कह करके चिढ़ा दिया। अब किसी को बूढ़ा कहेंगे तो चिढ़ेगा ना, तो यही इन्होंने किया। क्योंकि बच्चे बड़े बदमाश थे, गांव के बच्चे थे, तो फिर ऐसा तो जायज है कि वो इस तरह की बात बोलेंगे तो फिर वो चिढ़ जाएगा। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा, खूब मारा पीटा। जब पीछे पीछे भाग के उनके मारने गए तो सब लोग भाग करके पाठशाला में चले गए। वहाँ पर टीचर ने उनकी खूब पिटाई की। यह सुन करके उनके पिताजी स्कूल में आए और टीचर से विनती करके वे घर ले आए। फिर से रोना धोना भूल करके अपने मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर के लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे और चिड़ियों के होश उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में पानी उन्होंने भर दिया तो उसमें से एक सांप निकला और डर के मारे लुढ़कते पड़ते गिरते लेखक लुहान स्थिति में घर पहुँचे और सामने देखा तो पिताजी बैठे थे। लेकिन पिताजी के साथ वो ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हुए माँ के पास जा कर के रोने लगे और माँ ने घबराते हुए आँचल से उनकी धूल मिट्टी साफ की और उनकी चोट पर हल्दी लगाई। यह है आज के पाठ का सार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।